कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें इकरा अजीज भी हो और साथ बिलाल अब्बास हो। ओह माय गॉड, क्या आप चाहेंगी? कोई थ्रिलर हो, हॉरर प्ले हो, रोमांटिक, मर्डर मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री हो, कहानी जो भी हो, अगर वो दोनों किसी एक प्रोजेक्ट में होंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉकबस्टर होगा। नहीं, आप भी साथ हैं, हम उनके लिए नहीं, हम तो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। मैं भी होंगी ऑब्वियसली, है ना, ताकि एक आपका शौक तो पूरा हो कि इकरा अजीज भी हो जाए, बिलाल अब्बास भी हो जाए और उसके बाद आप रिटायरमेंट इख्तियार कर सकें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइकुल हसन है और मेरा सवाल फारूक सर से है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने पंजाब को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत से नवाजा था, तो अब जब नई हुकूमत आ गई है तो आप लोग इतना वावेला क्यों मचा रहे हैं? बुज़दार काम करता था, उसको अपना बताना नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा काम हेल्थ कार्ड था जिसको हम उतना एक्सप्रेस कर सके नहीं इसकी वैल्यू क्या थी कि एक आम घर तक एक 10 लाख की इंश्योरेंस कार्ड चली गई थी और आपका आईडी कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड था और ये हमें उस तरह एक्सप्रेस करना ही नहीं आया कि लंगर खाने थे आपके, ये जैसे पनाह गाहें थी आपके। खान साहब तो इसके बारे में बोलते रहे और उन्होंने अच्छा खासा इसके बारे में बताया हमें, वो बुज़दार साहब के बारे में पूछ रहे हैं। बुज़दार साहब ने ना बोलते थे, तभी तो खान साहब को बोलना पड़ता था। थैंक यू सो मच हरीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।